Assalamualaikum everyone, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सहरी बन रही है तो आज हम सहरी बना रहे हैं और फिर आपको सिंपल सी सहरी है फ्राई एंड आर्ड परोठे का फ्राई सादी से हम सहरी करेंगे और फिर आज पूरा दिन और ख्वार उम्मीद जैसे कल हुए थे। होती नहीं है इसलिए मैं फटाफट सहरी करती हूँ और फ़ौरन से सो जाती हूँ। फिर मैं तकरीबन 9 बजे उठी और मैंने अपने कपड़े चेंज किए, स्ट्रेट बाल मैंने रात में ही कर लिए थे। धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अब सही लॉन वाला मौसम हो गया और बहुत दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, हालत ही ख़राब हो जाती है। अब लग रहा है कि रमज़ान है और रोज़े हैं। हमदा ने मुझे पिक किया, देगी ये साथ लाए हुए थे, उन्होंने देनी थी वापस। जहाँ हमारा घर बन रहा था हम वहाँ गए, वहाँ रैम पूरा स्ट्रेट बना दिया गया क्योंकि हम पूरा रैम बनवा रहे हैं ताकि हमारे घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी हो सके, हम ग्रीन एरिया नहीं छोड़े। फिर मैं घर के अंदर गई, मेरे घर के गार्ड ने ना बिल्कुल सही, चौकीदार ने सफाई की हुई थी क्योंकि मैंने उसको कहा था कि कल मुझे यहाँ सारी सफाई चाहिए। और दूसरे कमरे में जो है वो कबर्ड वाले जो है उसके फ्रंट पैनल्स लगा रहे थे, देखिए यहाँ नहीं लगे हुए, उस कबर्ड में वो लगा रहे हैं। ये कंप्लीट अब करेंगे इसको, आज ये 2 से 3 कबर्ड्स बना जाएंगे और कल फिर ये काम कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिशियन साहब फिर हमें सामान लिखवाते रहे। ये रोप लाइट है, रोप लाइट 12 मीटर रोप लाइट, कलर आप खुद चूज करें, येलो ब्लू जो भी आता है। हमजा ने इलेक्ट्रिशियन वाला सामान लिया, प्लास्टिक पेरस जो है वो लोड करवाया और फिर हम हमजा के घर गए क्योंकि वहाँ रेंट वाले घर देखने आ रहे थे क्योंकि हमजा रेंट छोड़ रहे हैं रेंट वाला घर। और फिर प्लास्टिक पेरस आ गया था पीछे से दूसरी कबर्ड स्टार्ट कर दी हमने। फिर बिजली का सामान वहाँ रखवाया, जो हम प्लास्टिक पेरस के लिए शॉपर लाए थे हमें पता चला वो शॉपर छोटा है, हमें उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा चाहिए। तो फिर हमारे जब्बार साहब जो मिस्त्री हैं उन्होंने कहा कि ये आप वापस कर दें और उनसे पैसे वापस ले लें, साथ वाले घर वाले हैं उनका एक्स्ट्रा है और वो उनसे लेंट कर लेंगे और हम उनको पे कर देंगे और उनकी विड्थ जो है वो बहुत अच्छी है। फिर हमजा ने वो शॉपर वापस किया और हमने फिर अफ्तारी का सामान लिया। अफ्तारी के सामान के लिए इतना रश था आज, इतना रश के पैर रखने की जगह नहीं थी, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग आए। बड़ी मुश्किल से हम अफ्तारी लेकर यहाँ से निकले। फिर हमने मिलकर सबने अफ्तारी की और फिर अफ्तारी करने के बाद हमने फिर रात को घर चक्कर लगाया जहाँ घर बन रहा है क्योंकि प्लास्टिक पेरस जो है ना वो आज उन लोगों ने रात को लगा देना था जो सुबह की हम तैयारी कर रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक रूम में कंप्लीट प्लास्टिक पेरस लग चुका था। अब ये गीला ये ड्राई हो जाएगा और फिर इसके ऊपर आप जो स्टैंड होते हैं वाइल पेंटिंग आप उनको घसीटें खींचें, आपकी टाइल ख़राब नहीं होती। और ये केमिकल जो है ये पाउडर की फॉर्म में आता है, उसको इस हाफ बाल्टी में अपनी जितनी मेयरमेंट्स होती हैं मिस्त्री को पता होता है वो उसको मिक्स करते हैं और उसको नीचे शॉपर के ऊपर इस तरह से इसको फैला देते हैं। आज रात को ये फैला के जाएंगे और अगले 1 से 2 दिन में ये सूख जाएगा। उसके बाद मैं फ़ौरन से घर पहुंची, मुझे अपना लेफ़्ट ओवर लेयर्स का लोटस याद था, मैंने फ़ौरन से कब फ्रिज से वो निकाला और उसको खाया और फिर मैं सोने चली गई। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।